हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनी पोटेंट। तो आज मैं डीडी फ्री डिश यानी डीटीएच के बारे में बताने वाले हूँ, जो कि फ्री चलता है। तो इस पे बहुत सारे चैनल आप देख नहीं पाते हैं, या जो नया अपडेट आता है या जो भी नए चैनल आते हैं वो आपको मिल नहीं पाते हैं। तो आप अपने डीटीएच मशीन को कैसे अपडेट करें और कैसे नए चैनल मंगाएं, मैं आज सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं पहले टीवी और डीटीएच को पावर सप्लाई से जोड़ता हूँ। ये मेन कनेक्शन मैंने किया और जो है कि ये पावर इसमें आ चुका है और टीवी और डीटीएच मशीन स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है तो मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि दिख रहा है नो टीवी प्रोग्राम। तो मैं सेटअप को स्टार्ट करने वाला हूँ और कैसे प्रोग्राम का सेटअप किया जाता है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो ये देखिए मेनू, जैसे हम यहाँ इस रिमोट में मेनू का बटन होता है तो मेनू दबाना है। तो मैं मेन्यू दबा चुका हूँ, यहाँ आ चुका है सारा सिस्टम जो है कि सेटअप, और यहाँ टीवी चैनल लिस्ट आ गया है। उसके बाद सेकंड में रेडियो चैनल लिस्ट है, यहाँ प्रोग्राम सेटअप है, एडिट प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज है, सिस्टम सेटअप है, ऐसे करके पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो मैं यहाँ जो है कि प्रोग्राम सेटअप पर यहाँ थर्ड ऑप्शन पर आना है और प्रोग्राम सेटअप पर आना है। और आने के बाद यहाँ लिखा है ऐड न्यू प्रोग्राम, एडिट LNB फ्रिक्वेंसी, प्रोग्राम सेटअप, ऑटो स्कैन। तो हमें ऑटो स्कैन पे आना है। तो हम यहाँ से ऑटो स्कैन पे आ गए। ऑटो स्कैन पे आने के बाद एक बार ओके दबाना है, यहाँ ऑटो स्कैन का सिस्टम खुल गया। तो हमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे इसी अवस्था में ऑटो स्कैन कर देंगे तो जो पुराने चैनल होंगे वो सभी आ जाएंगे, लेकिन जो नए अपडेट या जो नए चैनल आए होंगे वो सब आपके टीवी में नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ ये LNB फ्रिक्वेंसी नंबर है, इसको कुछ भी एडिट नहीं करना है। स्कैन मोड है फ्री, इसको भी एडिट नहीं करना है। यहाँ 22 यानी 22K लिखा हुआ है, ये ऑफ है, और यहाँ DISEQC ऑफ है। तो हमें क्या करना है कि हमें साइड वाले बटन से पहले साइड में जाना है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं और जो है कि 22K पे, तो यहाँ 22K ऑफ है तो हमें इसको ऑन करना है। 22K ऑन कैसे होगा, यहाँ नीचे का एक बटन है, यहाँ ऊपर नीचे वाले, तो नीचे डाउन वाले बटन से एक बार डाउन करना है। तो यहाँ ऑन का ऑप्शन आ चुका है, तो ये 22K ऑन हो चुका है। तो इस अवस्था में करने के बावजूद आपको ओके का बटन दबाना है, तो आप ओके का बटन दबाइए यहाँ। ये देखिए हमने जैसे ही ओके का बटन दबाए हम, तो यहाँ ऑटो स्कैन शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 1% हमारा हो चुका है ऑटो स्कैन। तो पुराने जैसे अगर आप 22K का सेटअप नहीं ऑन करेंगे तो वो उस स्थिति में आपका जो है कि पुराना चैनल आया गया, जो नया चैनल आया हुआ है अपडेट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ अगर आप 22K ऑन करके स्कैन करते हैं तो आपको नए चैनल यहाँ जो भी आए हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप टीवी चैनल लिस्ट है, यहाँ टीवी का पूरा चैनल आ रहा है, और इस साइड रेडियो चैनल लिस्ट है, यहाँ रेडियो का पूरा चैनल, जो भी नया चैनल आया हुआ है वो 22K ऑन करने की वजह से यहाँ आ रहा है। तो हमारा जो है कि 41% यहाँ हो गया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ 100% का हमें भी इंतज़ार करना है, और जो भी नए चैनल आए हैं सबको देखना है यहाँ कितने नए चैनल आ रहे हैं। तो यहाँ जो है कि टीवी चैनल में यहाँ 71 हो गया और यहाँ 10 हो गया, तो 71 नए चैनल आ चुके हैं, और यहाँ 10 नए चैनल रेडियो के आ चुके हैं, 71 टीवी के आ चुके हैं। तो ये देख जो है कि हमारा 60% हो गया। तो जो है कि हमारा ये सेटअप चल रहा है इसी प्रकार से। तो आप भी नए चैनल को देखना चाहते हैं, या आप में नए चैनल नहीं है, या पुराने चैनल आप में हैं और नए चैनल किसी अन्य DTH में चल रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ अपने घर पे आके 22K को ऑन करके ऑटो स्कैन कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ऑटो स्कैन करेंगे तो आपको सारे नए चैनल देखने को मिल सकते हैं। और जो है कि हमारा ये 90% हो चुका है, और ये देखिए 95% हो चुका है, और ये देखिए 97, ये 100%, और तो हमारे चैनल आ चुके हैं। तो मैं अभी मशीन को ऑफ़ करता हूँ, यहाँ मैं मशीन ऑफ़ कर चुका हूँ। तो मैं चैनल को पर्सनली नहीं दिखाना चाहता हूँ किसी चैनल को, या कैसे चैनल चल रहा है। तो जो भी नए चैनल आए होंगे वो चैनल आपको 22K ऑन करने से आ जाएंगे। अगर आप 22K को ऑन नहीं करते हैं तो आपके DTH में यानी फ्री डिश में पुराने ही चैनल आएंगे। अगर 22K को आप ऑन कर देते हैं तो वहाँ आपके
डीटीएच में नए अपडेट हुए हुए चैनल आ जाएंगे और आप सभी नए चैनलों का आनंद उठा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनी पोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।